भलाई करे, बलात करे, तभी महाराज साहब को भलाई करे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक्चुअली हम पब्लिक वाला को ये बोलना चाहूँगे कि पब्लिक तो हमेशा साथ देते आया है, प्रेयर हमेशा प्रेयर कर दे रहा है। हम आज वही रिक्वेस्ट पब्लिक से वही अपील करना चाहूँगे कि जो अपना अपना गॉड को जो मानता है उन सब आज से प्रे कर दीजिए कि हमारा टीम सबसे पहले, हमारा टीम सेफ्टी हो, सेफ्टी हो, ऑपरेशन सक्सेस हो, सेफ्टी हो, सेफली वापस रिटर्न करे, वही पब्लिक से अपील करना चाहते हैं। मैम आप लोग का यहाँ का जितना भी मेंबर्स है टोटली आप बताइए तो हमारे एक्चुअली यहाँ पे आज एक्चुअली हम लोग का 18 मेंबर का टीम था, तो 18 मेंबर का टीम में से कुछ लोग स्पेशली आर्मी अरुणाचल स्कॉट में थे, उनको ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि आर्मी उनको छुट्टी नहीं देने या हम लोग को रिक्विजेशन में परमिशन ग्रांट नहीं करने के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाया। आज अभी एक्सपर्ट टीम 9 मेंबर्स जा रहा है, 9 मेंबर्स जा रहा है तागित सरंग का जो लीडरशिप में, और हमारे रिमोट सेंसिंग टीम का टेक्निकल ऑफिसर जुड़ा हुआ है उसमें, और नेक्स्ट में जब हेलीकॉप्टर जो मिल जाएगा वहाँ पे वो हेली बाय हेली चला जाएंगे क्योंकि उनका पास बहुत इक्विपमेंट्स है, तो इक्विपमेंट्स के साथ जाएगा। तो हमारा रिमोट सेंसिंग का टीम जाने से वहाँ पर हमारा टीम को थोड़ा मदद मिलेगा कि वो ड्रोन सर्वेलेंस करेगा, वहाँ पे मॉनिटरिंग करेगा, तो हमको आगे के लिए मदद मिल जाएगा। इसलिए हमको रिमोट सेंसिंग टीम का ज़रूरत है। इसमें हमारे टिमोटी दुलम नीमा सर उन्होंने ज्वाइन किया, वॉलंटियरली ज्वाइन किया, उन्होंने पूरा इक्विपमेंट को भी यहाँ पे लेके आया, कल ड्रोन भी पूरा ट्राई किया यहाँ पे, और हमारा टीम को हम सबसे पहले हमारा टीम को हम जो विश करना चाहता है कि वो सेफली वापस आए और इसका मिशन सक्सेस हो। ये अभी हम लोग का मेन जो प्लानिंग तो हुई था कि इसे फुट मार्च करने के लिए हम 22 को जाने के लिए प्लानिंग था, लेकिन हेली के लिए हम लोग वेट करके अभी तक हम लोग वेट किया, लेकिन वेदर साथ नहीं देने का कारण से आज हम लोग फाइनली हम लोग मूव कर रहे हैं। हम 12-13 तारीख तक हम बेस कैंप पहुँचने के लिए हम प्लानिंग करके जा रहे हैं क्योंकि हमारा टीम पूरा सब रेडी है, फिट है, तो हम लोग कोशिश करेगा 12 तारीख तक हम लोग पहुँच जाएगा उधर बेस कैंप तक। उधर से हम लोग पहुँच के उधर वेदर साथ देगा तो हम लोग आगे और मूव करेगा। हमको बेस कैंप से और 3 दिन का रास्ता है ग्लेशियर तक पहुँचने के लिए, वो सब प्लानिंग करके हम लोग जा रहे हैं। पब्लिक से जो भी जो वेल विशर आप लोग का व्यूवर्स है वही हम रिक्वेस्ट करेगा कि अभी का समय में हम लोग को प्रेयर सपोर्ट का जरूरी है। आप लोग का ब्लेसिंग मतलब जो भी कौन जो भी अपना जो भगवान को मानता है, जीजस को मानता है, धोनी पोलो मानता है, हिंदू सिख ईसाई जितना भी जो धर्म का मानने वाला सबसे हम रिक्वेस्ट करता है हम लोग के लिए, हमारा टीम के लिए और हमारे जितना भी जो सर्च ऑपरेशन में जो हमारा साथ में है सबके लिए सेफ के लिए और हम लोग का सर्च ऑपरेशन जो सक्सेसफुल करने के लिए सेफली रिटर्न आने तक आप लोग प्रे कर दीजिएगा, वही पटना रिक्वेस्ट ही मांगता है सबको। हमारा सोसाइटी की तरफ से मैसेज ये रहेगा जो जितने भी जो अभी जो टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ तागित सरंग इन लोग का मेरा ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर वाला से या भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि इन लोगों को जो अभी जा रहे हैं इनका सेफ्टी प्रदान करे और इन 3 लोग जो है सक्सेसफुल वहाँ सर्च ऑपरेशन करके जो जिसके लिए गया उनको मिले, और जितने भी जो जनता है गवर्नमेंट है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस मुकाम तक उन्होंने जितना कोशिश किया इतना तक कि जो वहाँ हेलीकॉप्टर जो वहाँ बेस कैंप तक ड्रॉप करने का वो नहीं हो पाया, लेकिन गवर्नमेंट का सरकार की ओर से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सारे जो कोऑपरेशन जो दे रहे हैं, और आर्मी वाला से हमारा भी ये मैसेज या कन्वे कहेंगे सोसाइटी की ओर से आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं और आप लोग फिर वो ट्राई को जो है आप लोग कोशिश करते जाएंगे क्योंकि हमारा वो बेस कैंप में 12 तारीख को पहुंचेंगे ये जो अभी आज जो निकलेंगे, तो उसमें हमारा स्पेशली अभी क्या है और ड्रोन टेक्निकल ऑफिसर है स्टेट रिमोट ये का एप्लीकेशन सेंटर से, तो वो जो ड्रोन लेके वो सर्च ऑपरेशन को कैसे हो रहा है वो पूरा उसका लाइव वो लेंगे, तो इसलिए इनको जो है वो ये वो नहीं जा पाएंगे पैडल ऑन बाईपुट से, तो इसलिए उनको जो है जैसे भी एज एंड वैन वहाँ पहुँच जाते हैं
ये सारा अभी जो ऑन पुट ट्रैक में जो जा रहे हैं जितना भी, तो ये जहां वहां से पहुंच जाएंगे तो आर्मी वेदर विंडो जब खोलता है तो मैं जितने भी जो हेलीकॉप्टर का जो अथॉरिटी है आर्मी वाले को, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी तैयार होके जो भी विंडो खोलता है या 12 या 13 तारीख में जो विंडो खोलेंगे तो उन लोग वहाँ पहुँचने के बाद इनको जैसे भी ड्रॉप करने का कोशिश करें। और सारा जनता को मैं मेरा तागिन कल्चरल सोसाइटी से हम ये मैसेज ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सब दिल में हाथ रख के ये ऑपरेशन जो है सक्सेस होने का आप सब प्रयास करें। थैंक यू। एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से किस प्रकार से क्या होता है, व्यवस्था क्या गया? देखिए, सारी फैसिलिटीज़ इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया है। जो भी सरकार ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी काफ़ी भेजा है, उससे कुछ पुराना लाइबिलिटीज़ भी क्लियर हुआ है और फ्यूचर में जो अभी लाइबिलिटीज़ या जो भी काम होगा उसकी वजह से भी हम लोग आराम से टेक केयर कर पाएगा। और राशन वगैरह ऑलरेडी टीम के थ्रू पहुँचा दिया गया है, पोर्टर्स के थ्रू सारी लोकेशन में, बेस कैंप्स में। और अभी भी हमारा CEO सवा जो है वो इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को अभी इंडेमनिटी बॉन्ड भरना है, तो वो जो पार्टी टीम वहाँ से जाएगा, कल निकलेगा, उसके लिए CEO सभा को कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला है, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, पेपर वर्क वगैरह है फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, वो सब बनाया जाए। तो वो सब भी काम चल रहा है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर भी अपने DDMO को नोडल ऑफिसर लगाया है, जो भी कोऑर्डिनेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स होगा फ्यूचर के लिए, जो भी इशूज़ इनको चैलेंजेस आएंगे उसको हैंडल करने के लिए। ऐसे आपको हमारे DC सर ने बता ही दिया है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी बहुत सपोर्ट जो मिल के, प्लस अलोंग विद यहाँ का जो टीम है वो सब मिल के, बाहर से भी लोग आए गए, दो एक्सपर्ट लेके आया हुआ है, प्लस इस तरह गवर्नमेंट का हमारा जो रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट से भी एक्सपर्ट आया गया है। तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो सपोर्ट मिल रहा है वो हम फुल कोऑर्डिनेट करेंगे, सपोर्ट देंगे उसको। अभी आज का टीम जो 5 तारीख से मूव होकर जो लोग का जो प्लान ऑफ एक्शन है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो कर रहे हैं, उसका मुताबिक जो जाके जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का थ्रू जो भी मदद है, इनकेस वी हैव टू बी पॉजिटिव राइट, कभी रिट्रीव भी होता है तो उसको कैसे रिट्रीव करना है, वापस मिलता है तो रिट्रीव कैसे करना है, प्लस पुलिस की तरफ से जो असिस्टेंट है, हमें गाड़ी हो गया, मैन पावर भेजना है, वी आर रेडी टू असिस्टेंट विथ इन कोलाबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। साहब ने तो बोल ही दिया, तो हमारा टीम रेडी है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम रेडी है, और ये टीम को असिस्ट करने के लिए।